तो जिन लोगों ने इतिहास में बताया है कि ब्राह्मण कितना ज्ञानी होता है और कितना कुछ है, लेकिन इन चीजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीता राम मांझी हो, पप्पू यादव हो, अभी नया नया दुगो डफली बाज भी पैदा हुआ है, कन्हैया टाइप के लोग भी हैं। इन माँ और इन बहनों को सम्मान देने का कार्य, तो यह एक संदेश भी है कि आप हमारी व्यथा को समझिए, और एक चेतावनी भी है कि अगर आप नहीं समझे तो आपकी भी हालत खराब है। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। ब्राह्मण महाकुंभ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हो रहा है। भारत पूरी दुनिया में सनातन धर्म के लिए जाना जाता है, अपने अलौकिक और संस्कार सभ्यता संस्कृति के लिए जाना जाता है। उसको पुनः स्थापित करने के लिए 12 अप्रैल 2020 का ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में लगातार बैठक कर रही है, अभी तक कितने राज्यों में इसको लेकर बैठक हुई है? देखिए क्या है कि ये राज्य में ही नहीं हो रहा है, बल्कि आपको एक बात बता दें, अभी मैंने बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं दिया है, भारत के सभी राज्यों में इस बात की चर्चा है और भारत के बाहर लगभग 23 दूसरे देश यानी कि विदेश, जिसको सात समुंदर पार कहते हैं, 23 देश के ब्राह्मण परिवारों से भी हमारी बातचीत चल रही है और उन सब लोगों ने इस कार्यक्रम में आने का बात भी कहा है, सहयोग करने का भी बात कहा है। तो ये तो ब्राह्मण का घर घर बात चल रहा है, हर ब्राह्मण के घर में चल रहा है। 12 अप्रैल तो बच्चों का जैसे जन्म तिथि मनाते हैं ना, हम लोग परशुराम जयंती मनाते हैं, चाणक्य जी की जयंती, तो हम लोग चूँकि तिथि अभी तक स्पष्ट नहीं है तो इसलिए चाणक्य जी की जयंती हम लोग नहीं मना पाते हैं। जिस तरीके से हम अपने महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं, उसी तरीके से 12 अप्रैल 2020 का ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और जहाँ जहाँ ब्राह्मण है वह अपने परिवार के बीच बैठक कर रहे हैं। हम अगर बैठक करेंगे तो हम लोग तो लगभग 2000 से ऊपर बैठक कर चुके हैं, लेकिन हम यह कहते हैं कि 90 लाख हमारे बिहार के ब्राह्मण हैं और हर ब्राह्मण परिवार अपने परिवार के बीच बैठक कर रहा है कि 12 अप्रैल को कैसे चलना है, क्या करना है, कहाँ ठहरना है, क्या क्या करना है, सारी तैयारियाँ धीरे धीरे हम लोग चल रही है और पूरा ब्राह्मण परिवार इसमें लगा। कितने दिनों का कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए ये 5 दिनों का कार्यक्रम है, 5 दिवसीय कार्यक्रम। 8 अप्रैल को हम लोग एक विशाल जुलूस निकालेंगे जिसमें हमारे भारत के जो इतिहास है, हमारा जो भारतीय इतिहास है, और वह इतिहास आज़ाद भारत के बाद का या आज़ाद भारत के तुरंत पहले का नहीं है, बल्कि सतयुग से ये 4 युग वाला ये जो सृष्टि है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो हम सतयुग के समय से लेकर, चूँकि ये जो वातावरण है, जो ब्राह्मण महाकुंभ का जो सवाल था, आपने पहले भी सवाल किया कि 12 अप्रैल का ब्राह्मण महाकुंभ क्यों, तो 5 दिवसीय कार्यक्रम के पीछे तर्क यही है कि हमने पहले भी कहा अपने उद्बोधन में और आज भी बता रहे हैं कि 4 युग हैं और 4 वर्ण हैं और भारत को विश्वगुरु बनाना है, इसलिए 5 दिवसीय कार्यक्रम है। सतयुग पार कर गया, त्रेता पार कर गया, द्वापर पार कर गया, कलयुग चल रहा है। उसी तरीके से जो समाज में जो संरचना है सृष्टि को चलाने के लिए, जो भारतीय दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो 5 दिनों का कार्यक्रम। एक और दिन जो हम लोगों ने कहा कि 8 तारीख को हम अपने भारत के वैसे महापुरुषों का एक प्रतिमा बनाकर अपने पटना के राजधानी, चूँकि यह पाटलिपुत्र राजधानी रही है, कहा जाता है कि 1400 वर्ष राज्य की राजधानी रहने का एक गौरव प्राप्त है इस पाटलिपुत्र को, और यह वही पाटलिपुत्र है जिसको आचार्य चाणक्य ने अपने खून से सींचा है। उस आचार्य चाणक्य की पाटलिपुत्र पर यह कार्यक्रम है, इसलिए चाणक्य जी का, तुलसीदास जी का, आर्यभट्ट जी का, स्वामी ऋषि मुनियों का, और एक से एक हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, मंगल पांडे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हम नाम लेने लगेंगे तो आपको बहुत वक्त लगेगा, बहुत महापुरुष हैं, उनका एक कटआउट बनाकर हम अपने महापुरुषों का योगदान क्या है, हम अपने समाज के उन वर्गों को जो आज ब्राह्मणों पर लगातार प्रहार कर रहा है कि हर काम के लिए, जितना भी इस देश में गंदा काम हो रहा है उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेवार है, चाहे वो
उनके बच्चे पढ़े नहीं तो ब्राह्मण जिम्मेवार, उनके बच्चे बढ़े नहीं तो ब्राह्मण जिम्मेवार, उनके बच्चे लंगड़े लूल्हे अंधरा बहिरा कहना जो भी हो उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेवार, देश में अगर कोई गलत काम हो रहा है ब्राह्मण जिम्मेवार, अभी NRCCA आया ब्राह्मण जिम्मेवार, कोई नया कानून 3 तलाक आया नया ब्राह्मण जिम्मेवार, मतलब जितना भी काम है उसके लिए ब्राह्मण जिम्मेवार। ब्राह्मणों ने इस देश में कोई अच्छे कार्य नहीं किए हैं, ये अवधारणा बनाई गई है भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से कुछ सत्ता लोभियों के द्वारा। उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहला दिन का कार्यक्रम है 8 अप्रैल को एक जुलूस निकलेगा जिसको हम लोग चाणक्य यात्रा के नाम से कहेंगे। दूसरे दिन हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि सन 1947 के बाद इस आज़ाद भारत में 73 साल होने को है और इस 73 साल में जो सबको देने वाला ब्राह्मण कम्युनिटी है, जो अपना शरीर का एक एक दधीची ने अपने शरीर का एक एक अंग दान कर दिया हो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन धर्म के लिए, सृष्टि के लिए, उसके परिवार को गाली दिया जा रहा है। तो आज़ाद भारत में ब्राह्मणों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वह अर्धनग्न नहीं बल्कि पूर्णतः नग्न हो चुका है। लेकिन चूंकि हम भारतीय संस्कार को, सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखना चाहते हैं और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हैं, इसलिए अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और ये बताएंगे अपनी सरकार को, चाहे वो नीतीश की सरकार हो, चाहे देश में मोदी की सरकार हो, भारत के जो भी राज्य हैं उसके राज्य की सरकार हो, उनको यह बताने का एक प्रयत्न है कि आज़ाद भारत में ब्राह्मणों की स्थिति क्या हो गई है जरा देख लो, और अगर तुम चाहते हो कि इनकी स्थिति सुधरे तब तो ठीक बात है, और अगर बिगड़ने लगेगी तो जब अपने पर बन आता है, जब आदमी खुद नग्न होने की स्थिति में आ जाता है तो वह सामने वालों को नहीं छोड़ता है। तो यह एक संदेश भी है कि आप हमारी व्यथा को समझिए और एक चेतावनी भी है कि अगर आप नहीं समझे तो आपकी भी हालत ख़राब कर देंगे। 10 तारीख को पटना के गांधी मैदान में सुबह में महामृत्युंजय का जप है, अब ओम त्रयम का मेजाम है, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम का पाठ होगा, हम पूरा भी बोल सकते हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या माहौल होगा इस भारत में जब सनातन धर्म के मंत्रों का चारण होगा ब्राह्मणों के द्वारा, जब ओजस्वी विद्वान पंडित, मैं पूजा पाठ नहीं करवाता क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन जो हमारे कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जिनके अंदर संस्कृत सभ्यता का, संस्कृति का, भारतीय सनातन धर्म का एक एक गुण उनके अंदर प्राप्त है, उनके मुखार इनसे जब ये निकलेगा जब मंत्र, तो सोच लीजिए कि क्या अंदाजा होगा, क्या माहौल बनेगा और कितना लाभ होगा इस संसार को। और शाम में बंगलामुखी का ओम ह्रीं करके जो बंगलामुखी का जाप होगा तो एक अलग शक्ति आएगी, और यह शक्ति सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि हम ब्राह्मण तो तभी हैं जब इस देश का यजमान हमारा मजबूत होगा, तरक्की करेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा, क्योंकि यजमान के उन्नति प्रगति तरक्की में ही, चाहे वो कोई बिरादरी का हो, कोई जाति का हो, उनके विकास में ही हमारा विकास छुपा हुआ है, क्योंकि यजमान तो उन्हीं को आशीर्वाद देंगे ना जो यजमान होंगे, जब यजमान होंगे ही नहीं तो हम पंडित जी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ब्राह्मण भगवान विष्णु का स्टार प्रचारक के रूप में इस पृथ्वी पर आया है और उसका एक ही काम है कि अपने यजमान को आशीर्वाद देना, भगवान के बारे में जानकारी देना कि भगवान का, आज लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं, लोग कहते हैं कि भगवान, हमारे कई वक्ता लोग या हमारे जो दूसरे जाति के लोग हैं वो कहते हैं भगवान नहीं है। 12 अप्रैल को साक्षात भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होगा, आप अंदाजा लगा लिए सूर्य भगवान सामने होंगे, हम उनकी आराधना करेंगे और उनकी कृपा हम लोगों पर बरसेगी, तो ना सिर्फ हम लोगों पर बरसेगी बल्कि हमारे यजमान पर भी बरसेगी और इसका लाभ मिलेगा। 11 तारीख को भारत के जितने भी हमारे गायक हैं जो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, चाहे वो मगही हों, मैथिली हों, भोजपुरी हों, हिंदी हों, अंगिका भाषा के हों, कन्नड़ हों, तमिल हों, बंगला हो, हम अपने कलाकार भाइयों को आग्रह करके बुला रहे हैं कि हम अपने भारत के अलौकिक इतिहास को संगीत के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि हमारी क्या प्रधानता रही है, हमें क्यों लोग पूछते हैं, हमें क्यों लोग पूछते हैं, इस चीज़ों की चर्चा होगी 11 तारीख को। और 12 तारीख को सुबह में सुंदरकांड का 1008 ब्राह्मणों के द्वारा पहले सुंदरकांड का पाठ होगा, भगवान वीर बजरंग बली की हम लोग आराधना करेंगे। आज कुछ राजनेता कहते हैं कि हनुमान जी दलित हैं, कोई बात नहीं है, अगर हमारे हिसाब से तो भगवान हनुमान जी दलित हो ही नहीं सकते, भगवान दलित हो ही नहीं सकते, दलित खराब शब्द भी नहीं होता, दलित को जिस तरीके से दलित लोगों ने अपमानित किया है, जिसको हम लोग वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहते हैं, उनको आप भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के मुख से, यानी आप एक चित्रण करिए। 12 अप्रैल पर थोड़ा मैं प्रकाश डालते हुए ये बात को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बदला या बना, तो ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा कौन है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा के भुजा से निकले वो क्षत्रिय हैं, जो ब्रह्मा के नाभि से निकले वो वैश्य हैं, और जो ब्रह्मा के पैर हैं वो शूद्र हैं,
यानी कि पूरा का पूरा ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा में सम्मिलित है और पूरा का पूरा जो चारों वर्ण है वो ब्रह्मा में सम्मिलित है, यानी कि हम चारों वर्ण मिलाकर ही ब्राह्मण बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दलित को गाली दें, जिसको आज शूद्र को दलित कहा जा रहा है। जब वोट लेने की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी भी टाल ठोक कर बोलते हैं मैं अति पिछड़ा हूँ, जान दे दूंगा, आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। नीतीश जी तो हाय तोबा मचाए हुए हैं, कुर्सी पाने के लिए वो कोई भी कुकर्म कर सकते हैं। शराब बंद है क्या स्थिति है देख लीजिए, दहेज बंद है क्या स्थिति है देख लीजिए, और पता नहीं क्या क्या कराएंगे भगवान जाने। लेकिन लालू जी हों, नीतीश जी हों, रामविलास जी हों, उपेंद्र कुशवाहा हों, जीतनराम मांझी हों, पप्पू यादव हों, अभी नया नया दुगो डफलीबाज भी पैदा हुआ है, कन्हैया टाइप के लोग भी हैं, कई लोग राजनीति में आएंगे और बात करके जाएंगे। वो वैसे लोगों के लिए भी 12 अप्रैल को सुंदरकांड के पाठ से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो आप राजनीतिक फायदे के लिए जो विद्वेष फैलाना चाहते हैं समाज में, तो हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ करके समाज में एक नई जागृति लाना चाहते हैं। भगवान वीर बजरंगबली आशीर्वाद जिनको चाहिए वो सब लोग गांधी मैदान में आएंगे। हम ब्राह्मण 12 अप्रैल ब्राह्मण महाकुंभ कर रहे हैं, हमने कभी ये नहीं कहा है कि कोई जाति अन्य जाति का लोग प्रवेश निषेध है। जिनको भी भगवान में आस्था है, अगर लगता है कि वीर बजरंगबली का आप सुंदरकांड के पाठ में आप हिस्सेदार बनना चाहते हैं, आप इसका लाभ लेना चाहते हैं, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, मैं रानी चौबे हो गई नगर विकास से। आप सबको एक चीज़ मैं बता दूँ कि बिहार में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आने जा रही है ब्राह्मण समाज की तरफ से। हम आने वाले समय में ब्राह्मणों को ही नहीं सारे जात पात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 12 अप्रैल को एक क्रांति आ रही है जो ब्राह्मण अपने आगे आके एक ब्राह्मण क्रांति लाने जा रहा है। हम बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये समाज को दिखाना चाहते हैं कि जो संस्कृति, जो चीज़ें जो पीछे हटती जा रही हैं, जो एक इतिहास फिर से दबता जा रहा है, उस इतिहास को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पूरे बिहार वासियों से मैं ये निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के कि आप सारे ब्राह्मण भाइयों बहनों अपने सारे लोगों को ये बताएं कि 12 अप्रैल पटना गांधी मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें सुंदरकांड का पाठ होने जा रहा है, जिसमें एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जो कि ईश्वरीय रूप, वहाँ पे शायद ईश्वर खुद नहीं आते हैं लेकिन ईश्वर अपने रूप में बहुत लोगों को खड़ा कर देते हैं। तो उस तरीके से एक सुंदरकांड के पाठ में शामिल हो और इस क्रांतिकारी जो 12 अप्रैल को होने जा रहा है उसमें काइंडली आके अपना अपना सहयोग प्राप्त करें। मैं हाथ जोड़ के बार बार विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग कृपया आएँ और इस ब्राह्मणत्व को बढ़ाएं और अपनी संस्कृति को जिंदा करें। मैं कहूंगी कि सारे जात पात सभी लोगों का पूजा पाठ में विश्वास होता है, तो उस पूजा पाठ को आगे बढ़ा के रखें। जो गलत कुरीतियाँ हो रही हैं हमारे समाज में, इसके आगे बढ़ें और इस चीज़ इस महाकुंभ को लेकर आपकी क्या आगे मंशाएं हैं? मतलब जी बहुत सारी मंशाएं हैं, बहुत सारी चीज़ हैं जो कि हम ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। आप मान लीजिए कि आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया है, हमारे चाणक्य नीति हो चाहे परशुराम हो, जिन्होंने बहुत सारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, तो जिन लोगों ने इतिहास में बताया है कि ब्राह्मण कितना ज्ञानी होता है और कितना कुछ है, लेकिन इन चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों है? जो हमारी संस्कृति में जो चलता आया है कि ब्राह्मण हमेशा ऊँचा रहा है, तो हम ऊँचे की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन चीज़ों के हम हर जात के लिए खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन संस्कार को, उन चीज़ों को लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, सारे लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है? जी मुझे भी लगता है, बिकॉज हमने बहुत जगह पे ऐसा देखा है कि जैसे आप आरक्षण का ही मामला ले लें, आरक्षण में आप देख लें कि अगर एक डॉक्टर है, सपोज़ मान लीजिए एक डॉक्टर की मैं ये देती हूँ, तो आजकल जो कैचियाँ छूटती हैं पेट में, तो आप देख लीजिए कि वो कैचियाँ कौन छोड़ रहे हैं, आप देख लीजिए। तो इन चीज़ों पे जो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे ब्राह्मण और अन्य जात को ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक समान दर्जा दीजिए सब लोगों को। माननीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूँगी एक बिहार की बेटी होने के नाते कि कुछ चीज़ों पे आप लगाम लगाएं। हम ब्राह्मण इसलिए ही ब्राह्मणत्व को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं, जो सही है हम उस चीज़ पे लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। और ये नौबत आज क्यों आया कि हमें अपने राइट्स के लिए लड़ने की ज़रूरत पड़ गई? आप कहीं ना कहीं एक बराबर का दर्जा दें। और हम ये नहीं कहते हैं कि आप हमारा आके पैर छुए ही, वो तो ईश्वर ने हमें बना के भेजा ही है कि हम लोगों के लिए आए हैं, जग कल्याण के लिए आए हैं। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो चीज़ें पहले होती आई हैं उन चीज़ों में फिर से अब एक रुकावट डाल के ये कहना कि ब्राह्मण भिखमंगा है, ब्राह्मण ये है, ये सब वर्ड्स क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? बड़े बड़े जो राजनेता है ये गंदी चीज़ें क्यों बोल रहे हैं? ब्राह्मण को इज्जत देने का समय है। आप कहीं ना कहीं एक सम्मान देते हैं तो सम्मान पाते हैं, एक ह्यूमन समझ के आप देखिए तो वो भी आप एक सम्मान के लायक है।
तो उन चीज़ों को बहुत तरीके से सोचने की ज़रूरत है। जो समाज है वो बहुत गलत दिशा में चल रहा है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये समाज की दिशा क्यों गलत हो रही है, पूजा पाठ से लोगों का मन हट रहा है, ऐसा क्यों, इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। जी मैं रानी चौबे हो गई, मैं एक 12 साल से एक समाज सेविका भी हूँ। मैं बक्सर से बिलोंग करती हूँ। बिजली और पानी और बहुत सारी सेक्टर्स में मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैंने हर जात को वैल्यू दिया है और हर जात के लिए काम किया है। लेकिन चूंकि आज ये नौबत क्यों आया कि हम ब्राह्मण बच्चियाँ अनसिक्योर फील कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप गौर करें हमने क्या कहा, एक राष्ट्रीय पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। इसके पीछे ये मतलब नहीं है कि हमारे ब्राह्मण बंधु किस दल से हैं, किस राजनीतिक दल से हैं। यहाँ जितने भी राजनीतिक दल के हमारे नेता हों, चाहे जो भी समाजसेवी हों, वो एक मंच पे आए हुए हैं। यहाँ कोई मतलब नहीं, हो सकता है कि हमारे ब्राह्मण बंधु कोई RJD से हों, कोई लोजपा से हों, कोई जदयू से हों, तो हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति बनी क्यों? ऐसी स्थिति आप पिछले 10-15-20 साल में और भी ज़्यादा भयंकर हो गई है। ब्राह्मणों को उपेक्षित समझा जाता है, जिसने देश को नहीं पूरे संसार को बहुत कुछ दिया, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ब्राह्मण जागृत हो चुके हैं, जाग चुके हैं। 12 अप्रैल को गांधी मैदान में समस्त ब्राह्मण जनों से आह्वान करता हूं, वो भारी से भारी संख्या में गांधी मैदान पहुंचे और इस ब्राह्मण महाकुंभ को सफल बनाकर देश को एक संदेश दें। क्या मुख्य मांगे हैं आपको? देखिए, ब्राह्मण मांगता नहीं है, लेता है, और अब छीन के लेने की आवश्यकता है। जब तक हम लोग दानी रहे, दाता रहे, तब तक तो सब कुछ ले लिया चालाकी से, पूरा राष्ट्र खींच लिया हम लोग का। अब तो सिर्फ जो है अंग वस्त्र भी बचा हुआ है, शायद अगर यही स्थिति रही तो आने वाले कल में वो भी उतर जाएगा। इसलिए तो ब्राह्मण जागृत हुए हैं, तो अब याचक नहीं है। बिहार में इतनी पार्टियां हैं, राजनीति पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के द्वारा ब्राह्मणों को अनदेखा किया गया, क्यों क्यों अनदेखा किया जा रहा है? जग जाहिर है, ब्राह्मण जो है देखिए कभी आक्रामक नहीं हुआ। उनकी सोच थी सबका साथ सबका विकास, जो अभी हमारे मोदी जी लेकर चल रहे हैं, गांधी और हमारे ब्राह्मण समाज इस चीज़ को लेकर के शुरू से चलता आया, इसीलिए तो पीछे है। अभी आप देख लीजिए ना स्थिति क्या हुई 5 राज्यों के। सबका साथ सबका विकास अगर करने चलेंगे तो अपना विकास पीछे छूट जाएगा। ब्राह्मणों ने आज तक यही किया, अब ब्राह्मणों को संगठित होकर के सिर्फ अपना विकास कर की बात सोचना चाहिए। जब तक हम सबल नहीं होंगे, हम सक्षम नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों की मदद क्या करेंगे? आज तक तो हम लोगों का शोषण होता रहा, दोहन होता रहा, हम लोग उपेक्षित रहे। मेरा नाम संजय कुमार चौधरी हुआ, हमने बताया मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और ब्राह्मण महाकुंभ का एक आम कार्यकर्ता और सदस्य हूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, संगीता तिवारी मेरा नाम हुआ, मैं भागलपुर सिटी से आती हूं। जिस तरह आपने मेरे से सवाल किया कि महिलाओं को अपेक्षित किया जा रहा है, तो हमेशा से ही महिलाएं देवी के रूप मानी गई हैं और उस मान्यता को लोग आज भूलते चले जा रहे हैं। आज की पीढ़ी इस चीज़ को भूल चुके हैं, लेकिन अगर महिलाएँ सचमुच में देवी के रूप हैं तो हम युवा पीढ़ियों से खास करके ये निवेदन करेंगे कि आप इन माँ और इन बहनों को सम्मान देने का कार्य करें, क्योंकि आपका सही शिक्षा और सही संस्कार इन्हीं माताओं में छुपी हुई है। क्योंकि ये धरती हमारी माँ, अगर माँ है तो इस माँ का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और आज हम अपने व्यक्तित्व को की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई हमारे समझ से परे है, क्योंकि जिस तरह हर एक आंगन से तुलसी का पौधा खत्म होते चला जा रहा है, उसी तरह आज ब्राह्मणों की अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते चला जा रहा है। उसको हमें समझने की ज़रूरत है, उसको आगे लाने की ज़रूरत है। हम ब्राह्मणों ने कुछ ना कुछ हर राष्ट्र को, हर देश को दिया है, तो आज हम जात पात से उठ के कार्य कर रहे हैं।
आगे भी हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे महात्माओं ने किया है, हम उसी कार्य को, उसी संस्कार को आगे लेते हुए और लोगों को समझाते हुए जो 12 अप्रैल को गांधी मैदान में ये सभा हो रही है उसको सफल बनाने के लिए खास करके मातृशक्ति से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आगे आए और अपनी अस्तित्व को वो खुद बचाने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ उनको आह्वान करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।